Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Emergence of New Kingdoms. And what we are going to read in this chapter about the North India, about Turkish invasions and causes for the success of the Turks and the Deccan, and about a case study of Cholas. After the death of Harshvardhan in AD 700, his empire broke up into several small states and kingdoms. The states and kingdoms were rarely at peace with one another, with each other trying to conquer the others. During this time, many warriors and chieftains came to power under the kings. They were called the sumantas or subordinate. And at times, these subordinates became more powerful than the rulers and broke away from them to become independent rulers. हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो उसका एम्पायर था वो छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओके अब ये सारे पीसेस जो बने ये पार्ट्स जो बने स्टेट और किंगडम जो थे इनमें आपस में कोई पीस नहीं थी सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते थे सब एक दूसरे को ऑक्यूपाई करना चाहते थे इस टाइम पर बहुत सारे वैरियर बहुत सारे चीफटेन जो हैं वो सामने आए ठीक है इनको क्या कहा जाता था समन्ताज और सबऑर्डिनेट कई बार ये समन्ता और सबऑर्डिनेट इतने ज्यादा पावरफुल थे कि किंग से भी ज्यादा पावरफुल थे इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट रूलर अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था इन द कोर्स ऑफ द टाइम पार्ट्स ऑफ नर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया टेकन ओवर बाय द राजपूत और इसी टाइम पर जो नर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया था नर्दन एंड वेस्टर्न इंडिया इसको टेक ओवर कर लिया था राजपूत्स ने राजपूत रूलर्स ने एंड द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द राजपूत किंगडम्स वर द गुजर एंड परते ऑफ मंदिर एंड चौहान्स ऑफ अजमेर द परमार्स ऑफ मालवा एंड द चंडेला ऑफ बुंदेलखंड ये जो थे ये फेमस राजपूत रूलर राजपूत डायनेस्टी रही हैं ओके okay? over the rest of india other powerful dynasties ruled on the eastern side were the palas हु हैल्स वे इन बेंगोल इन द डेकन रीजन में कौन थे राशकुटाज एंड द चोलाज इस्टबलिश पावरफुल किंगडम वाइल द पांड्याज चोलाज एंड छेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया ठीक है हर्षवर्धन के बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया था अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूलर बन गए थे और ये जो थे फेमस रूलर थे उस टाइम पर जब राजपूत रूल कर रहे थे और कुछ पार्ट्स में पालाज थे कुछ में राजकुटाज थे कुछ में चोलाज छेराज और परतिहारा किंगडम थे नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नॉर्थ नॉर्थ इंडिया। इंडिया में रूलर ऑफ दस्टी वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ पालास्टी दट इज गोपाला धर्मपाला एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथन द किंगडम वो गोपाला और उसका बेटा धर्मपाला ने अपने किंगडम को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया धर्मपाला ऑल्सो एनकरेज ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया धर्मपाला ने अपना जो ट्रेड है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ एनकरेज किया देवपाला वॉज अनदर पावरफुल रूलर एंड ही कॉन्ड सम पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे असम एंड ओडिशा उसके अलावा देवपाला जो था वो भी एक इम्पोर्टेंट पावरफुल रूलर था जिसने असम और उड़ीसा को रूल किया आफ्टर हिज डेथ द किंगडम बिकेम वीक और उसकी डेथ के बाद उसका जो किंगडम था वो कमज़ोर पड़ गया इट फाइनली कलेप्सड इन द मिडल ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एंड द पालाज वर सक्सीड बाय द रूलर ऑफ द सेना डायनेस्टी और उस टाइम पर पाला डायनेस्टी को किसने कंक्यूर कर लिया सेना डायनेस्टी ने ओके नाउ हेर इज द Clue that is, do you know that is about an Arab traveler that is Suleiman who visited Amogha court in 1851 AD? Wrote that Amogha Varsha's kingdom was one of the four. ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम कि उस टाइम जितने भी फोर ग्रेट एम्पायर थे उनमें से जो अमोघा किंगडम था अमोघा वर्षा किंगडम दैट वॉज द मोस्ट पावरफुल बाकी के तीन कौन से किंगडम थे ददर एम्पायर्स बिलोंग द रोमन एम्पायर द चाइनीज एम्पायर एंड द एम्पायर ऑफ खलीफा ऑफ बगदाद ना सेकेंड टेनेस्टी की हम बात कर रहे हैं सेकेंड रूलर की दैट इज़ द गुर्जरा परती

हिज़ कैपिटल उसने कन्नौज को कॉन्क्यूर किया और अपने कैपिटल बनाया भोज वो सक्सीड बाई हिज सन महेंद्र पाला महेंद्र पाला उसके बेटे ने उसको सक्सीड किया ही कानक्यूर मोर एरियाज एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर उसने और अच्छे से रूल किया और अपने एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंड किया हि सक्सेसर वॉर वीक एंड कुड नोट डिफेंड द किंगडम फ्रॉम इन्वेशंस उसके जो सक्सेसर आए महेंद्र पाला के बाद वो बहुत ज़्यादा वीक थे वो अपने किंगडम को नहीं बचा पाए इन थाउजेंड एटीन मोहम्मद गजनी डिफिटेड द प्रतिहारा रूलर सून द डायनेस्टी केम टू एन एंड और 1018 में मोहम्मद गजनी ने इन्वेड किया और प्रतिहारा किंगडम को डिफीट किया और इस तरीके से गुर्जरा प्रतिहारा किंगडम जो है डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई नेक्स्ट इज द ट्राइपर स्ट्रगल

हो सोवेर हेल्ड कन्नौज कूड कंट्रोल द एंटायर गंगा वैली सिंस द एट सेंचुरी द पाल द गुर्जापरती हारज एंड द राजकुट वर इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल टू कॉनक्यूर एंड होल्ड ऑन द कन्नौज दिस स्ट्रगल विच लास्टेड फॉर ओवर टू सेंचुरीज वी कैंड ओल्ड द थ्री डाइनेस्टी तो ट्राईपर टाइट स्ट्रगल क्या था हर्षवर्धन के बाद ऐसा माना जाता था जो भी कन्नौज को कॉन्क्यूर करेगा उसका पूरी जो भी गंगा वैली है वहाँ पर उसका का कंट्रोल हो जाएगा तो ये तीनों डायनेस्टी द द दुर्जाप्रति हार एंड राजकुटास ये आपस में स्ट्रगल करती रही कि कौन कन्नौज को जीतेगा कौन कॉनक्योर करेगा और इस को कन्नौज को कॉन्क्र करने के लिए इनकी जो स्ट्रगल है वो टू सेंचुरीज तक कंटिन्यू रही जिससे तीनों ही डायनेस्टी जो हैं वो वीक हो गई ओके नेक्स्ट इज द राजपूत द राजपूत वर क्लैंस और सोशल ग्रुप्स बेस्ड अराउंड प्रेजेंट डे राजस्थान राजस्थान से बिलोंग करते हैं ठीक है दे क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम द क्षत्रिय ऐसा माना जाता है क्षत्रिय के क्लैन से हैं ये एंड द राजपूत क्रिएटेड लार्ज एम्पायर्स एंड रजिस्टेड द एडवांस ऑफ द अरब सेंड टुर्कस और बहुत बड़ा एम्पायर राजपूत ने बनाया था और अरब और टुर्क को इंडिया में आने के लिए काफ़ी रोका

तोमरस ऑफ delhi the तोमर रूलर founded the city of दिल्ली का is delhi in the 8th century later the chauhans चौहान्स their kingdom theek hai ठीक है तोमर दिल्ली से बिलोंग करते थे और बाद में चौहान्स जो थे उन्होंने इनके किंगडम को टेक ओवर कर लिया सेकेंड उसके बाद आई चौहान्स ऑफ राजस्थान द चौहान्स वर ऑल्सो नोन एज चाह मनाज एंड द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान that rule from 1179 to 1192 he defeated muhammad ghori at the first battle of tarain in 1191 however a year later in 1192 ce at the second battle of tarain Raj was defeated and killed uske baad next is solankis of gujarat solankis of gujarat the solankis were also known as the cholakyas of gujarat and Siddharaja was the most powerful ruler and Dilwara temple at Mount Abu and the Sun temple at Modhera were built by the rulers of Solanki dynasty. Uske baad, next Parmars of Malwa. Bhoj Parmars was a powerful ruler and Dhar was the capital of the Parmar kingdom and the Neelakanteshwara temple at Udaipur was built by the Parmars. उसके बाद नेक्स्ट है टर्किश इन्वेशंस जब तुर्क पीपल इन्वेड करने के लिए इंडिया में आए फ्रॉम 1000 थाउजेंड सी ई ओन वॉर देयर वर मैनी इन्वेंशन इन टू इंडिया मोहम्मद ऑफ गजनी लेट द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेशंस सबसे पहले किसने इन्वेट करने की स्टार्टिंग की दैट इज ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी मोहम्मद वो वाज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ गजनी नाउ इन अफगानिस्तान गजनी का रूलर था वो ठीक है जो अब अफगानिस्तान में है ही वांटेड टू मेक ही वांटेड टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन क्या चाहता था वो कि अफगानिस्तान में गजनी जो उसका किंगडम है वो सबसे पावरफुल किंगडम हो For this he needed a large army but did not have enough money to maintain it. इसके लिए उसे बहुत सारी आर्मी चाहिए थी लेकिन उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था. He had heard about the wealth of India so he decided to raid India to raise money to build a powerful army. तो इंडिया के बारे में मोहम्मद गोरी ने सुना था मोहम्मद गजनी ने सुना था कि इंडिया बहुत रिच है बहुत रिच कंट्री है तो उसने डिसाइड किया कि इंडिया पर रेड करके वो वहाँ से मनी लेकर आएगा और अपनी पावरफुल आर्मी को बिल्ट करेगा इन अ स्पैन ऑफ 25 फाइव ईयर्स डेट इज़ 1000 थाउजेंड टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव सी मोहम्मद इन्वेडिड इंडिया सेवनटीन टाइम्स यानी पच्चीस साल में मोहम्मद ने कितनी बार इंडिया को इन्वेड किया दैट इन्वेड इंडिया इन सेवेंटीन टाइम्स सत्रह बार इंडिया पर इन्वेड किया आक्रमण किया हिज़ अर्ली रेट्स वॉर अगेंस्ट द हिंदुस्तानी रूलर्स हुज़ टेरेटरीज एक्सटेंडेड फ्राम पंजाब टू अफ़ग़ानिस्तान और पहली जो उसकी रेट्स थी वो किस लिए थी हिंदुस्ानी रूलर्स के खिलाफ थी ठीक है जो अपनी जो आर्मी जो अपना एरिया टेरेटरी एक्सटेंड कर रहे थे पंजाब से अफगानिस्तान की तरफ ही डिफिटेड जयपाल एंड आनंदपाल एंड मेड दैम हिज वैसल्स उन्होंने मोहम्मद ने जयपाल और अनंतपाल को हराया और उनके एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया दे पेड़ ट्रिब्यूट टू मोहम्मद और उन्हें ट्रिब्यूट पे करना पड़ा मोहम्मद को द सब्सिक्वेंट रेड्स वर अगेंस्ट द रिच टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया उसके बाद उसका फिर इनवे इन्वेशन क्यों हुई जो भी इंडिया के रिच टेम्पल टाउन थे यानी जहां पर भी रिच टेम्पल थे वो टाउन ऑलरेडी रिच था ठीक है तो टेम्पल को इन्वेड किया वहां से जितनी भी वेल्थ होती थी टेम्पल्स की वो वहां से प्लंडर कर ले जाता था और अपने अफ़गानिस्तान यानी गजनी में अपना जमा कर देता था मोहम्मद मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर अगेंस्ट मथुरा एंड कन्नौज इन 1018 एंड अगेंस्ट सोमनाथ इन 1025 सबसे डेयरिंग रेड जो थी मोहम्मद की दैट इज ऑफ मथुरा एंड कन्नौज इन 1018 और उसके अलावा सोमनाथ मंदिर पर जो उसने रेड की इन 1025 द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वो स्ट्रिप्ट ऑफ ऑल इट्स वेल्थ वो सोमनाथ टेम्पल की सारी जो भी वेल्थ थी सब प्लंडर करके ले गया था इवन द प्रीशियस स्टोन्स एम्बेडेड ऑन द टेम्पल वोल्स वर टेकन आउट और जो प्रीशियस स्टोन था वो भी वहाँ से टेम्पल से ले गया था मोहम्मद कैरेट द बूटी ऑफ गजनी मोहम्मद कैरेट द बूटी टू गजनी और जितनी भी वेल्थ थी जितनी भी एनर्मस उसके पास जो भी स्टोन था प्रीसियस वेल्थ थी वो सारा गजनी में उसने जमा कर लिया था मोहम्मद डाइड इन 1030 थाउजेंड थर्टी हिज सक्सेस वॉर वीक एंड हिज एम्पायर श्रंक रैपिडली मोहम्मद की डेथ हो गई 1030 में उसके जो सक्सेसर आए नेक्स्ट जो रूलर आए वो बहुत वीक थे और इस तरीके से उसका जो एम्पायर है वो एकदम से डिक्लाइन हो गया एज अ रिजल्ट देर वर नो फर्दर इन्वेशंस फॉर मोर देन अंचुरी फिर आगे बहुत टाइम तक कोई भी इन्वेशन नहीं हुई नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी शाबुद्दीन मोहम्मद गोरीड दजनी आफ्टर द दे डेथ ऑफ हिस ब्रदर घियाद्दीन इन ट्रेड टू सी ई अब मोहम्मद गजनी के बाद बहुत सारे नेक्स्ट रूलर आए ठीक है तो घियासुद्दीन के बाद नेक्स्ट रूलर आता है मोहम्मद बिन मोहम्मद घोरी ठीक है शाउबुद्दीन मोहम्मद गोरी We have already read about the first and the second battle of Tarain in 1191 CE and 1192 jo Prithviraj Chauhan ke saath thi theek hai after the death of Prithviraj Chauhan Muhammad Ghori became the master of Delhi region and eastern Rajasthan and laid the foundation of Turkish rule in India और पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद मोहम्मद गोरी पूरे डेली का रूलर बन जाता है डेली एंड ईस्टर्न राजस्थान और यहाँ से शुरू होता है टर्किश रूल इन इंडिया ही आल्सो डिफिटेड जयचंद ऑफ कन्नौज इन 1194 सी बिटवीन 1192 सी टू 1206 सी टर्किश रूल वॉज एक्सटेंडेड ओवर द गंगा यमुना दो बिहार एंड बंगोल और ऐसे धीरे धीरे जो टर्किश रूल था वो बाकी के एरिया में भी एक्सटेंड होने लगा मोहम्मद गोरी डि नो स्टे इन इंडिया मोहम्मद गोरी इंडिया में नहीं रहता था ही लेफ्ट द प्रोविंस दैट ही हैड कॉन्ड इन देंड्स ऑफ इस लेस हुए एक्टेड एज हिज रीजनल गवर्नर और वो क्या करता था जो भी उसकी कॉन्क्व स्टेट होती थी वो अपने स्लेवस के हाथों सौंप देता था उन स्लेवस को जो उसके गुलाम होते थे उनको रीजनल गवर्नर कहा जाता था दे सैट अप द डेली सल्तनत अबाउट विच वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर और उन्होंने जो उसके स्लेव थे ठीक है मोहम्मद गोरी के वो अफगानिस्तान रहता था उसके जो स्लेव थे वो इंडिया में रूल करते थे तो उन्होंने स्टार्टिंग की डेली सल्तनत की वो हम आगे पढ़ेंगे कोजेस फॉर द सक्सेस ऑफ द टुर्कस फर्स्ट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द फॉल ऑफ द Gujarat प्रतिहारा Empire, there आर small स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर लाइक परमार्स इन मालवा द in इन गुजरात एंड द in इन अजमेर एंड द तोमर्स इन तो ये आपस में ही इतने ज़्यादा उलझे हुए थे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में ही कि जो एक्सटर्नल कोई भी अटैक कोई भी इन्वेशन हो रहा था उसके खिलाफ ये resist नहीं कर पाए सेकंड इज़ सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी Another important reason for the success of the Turks was their superior military technology and the art of warfare. Because Turks superior military technology. Thi, dusra they know the art of warfare. They used horses in war with greater skill, and they used iron strip and horse shaper that improved their striking power and sustained at stamina of the cavalry. ड द राजपूत फोर द बैटल इन द ट्रेडिशनल वे विद स्लो मूविंग एलिफेंट और दूसरे तरफ जो राजपूत रूलर थे वो एलिफेंट के साथ स्लो ट्रेडिशनल वे में वॉर कर रहे थे ठीक है और इनके पास तुर्क के पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी डेट्स वाई दे डिफिट द राजपूत रूलरस एंड अबाउट नेक्स्ट इज लैक ऑफ अनफिल्ड कमांड That is, contemporary sources mention that Indian forces consisted of feudal lords. Each military contingent was under the command of its immediate overlord or chief and not the king. द आर्मी लैक्ड यूनिटी ऑफ कमांड आर्मी के पास यूनिटी ऑफ कमांड की कमी थी क्योंकि जितनी भी आर्मी फोर्सेज थी वो अंडर अ चीफ थी नॉट अंडर अंग थी तो अलग अलग चीफ जो है अलग अलग कमांड देते थे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो पाए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन नाउ वी विल रीड अबाउट द डन द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स इज नोन एज द डेकन the rashkutas were the most powerful dynasty in this region. who were the rashkutas? rashkutas rose to power in the 8th century under dante durga. dante durga is the king of rashkutas. he and his successor krishna I conquered territories and consolidated their rule in the region of modern maharashtra. they established their capital of Malkhid. ओके कृष्णा वन और जो दंती दुर्गा किंग थे इन्होंने अपने एम्पायर को अपने टेरिटरीज को काफ़ी एक्सटेंड किया इन द साइड ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एंड दे इस्टेबलिश देयर कैपिटल एट मालखन Soon the Rashkutas got involved in conflicts with the kingdoms of both the north and the south. In the north they fought against the Partiharas and the Palas or south ki taraf they waged wars against the Palvas, the Pandyas and the Cholas. These continuous conflicts however weakened them considerably. They were finally overthrown in the टेंथ सेंचुरी तो नॉर्थ में भी ये कॉन्फ्लिक्ट में थे साउथ में भी जो रूलर थे उस टाइम उनके साथ भी इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो धीरे धीरे जो राजकुटास थे ये डिक्लाइन होते चले गए वीक होते चले गए और फाइनली टेंथ सेंचुरी में इनको ओवर कर दिया गया The Rashkutas rulers were patrons of art and architecture and literature the famous kailash temple at Allura, dedicated to lord shiva and the rock cut elephanta caves were built by the Rashkutas. they also encouraged the growth of regional languages So, bahut jyada shokin the art architecture or literature ke jo famous kailash temple hai एट एलोरा भगवान शिव के ऊपर बनाया गया है उसके अलावा रोक का टेम्पल है एट एलिट के एंड दे ऑल्सो एनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज नाउ हेयर इज अ केस स्टडी अबाउट द चोलाज द चोला इस्टेब्लिश अ पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया with Tanjore as their capital. The first ruler was Visewala. He ruled over the region of the north of river Kaveri and Pantanka One, a powerful Chola ruler conquered Madurai from the Pandyas. He was however defeated by the Rashkutas king Krishna III at the battle of Takulam in 1949 CE. The Cholas became weak after his defeat and it was Raja Raja Chola and Rajendra Chola who reviewed the

फोर्ट की ही बिल्ट अ स्ट्रोंग नेवी टू मोनोपोलाइज ट्रेड अमंग द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला और एक स्ट्रोंग नेवी फोर्स भी इन्होंने तैयार की जो ट्रेड रिलेशन को प्रोटेक्ट करने का काम किया श्रीलंका एंड द मालदीव आईलैंड एंड आ शिवेली ही वॉज टोलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स नेक्स्ट है राजेंद्र चोला 1016 to 1044. He was the successor of Raja Raja. Rajinder Chola succeeded his father, Raja Raja Chola. He continued his father's policy of conquest. apne father hi policy unhone ready rakhi continue rakhi He defeated the Cholakyas of Kalyani and the Pala ruler of Bengal. He took the title of Gangai Konchola or the Chola conqueror of the ऑफ द गंगा और इन्हें चोला कॉन् चोला किंग ऑफ गंगा का टाइटल भी मिला ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू कैपिटल नियर द सिटी ऑफ तंजोर एंड कोल्ड एड गंगाई कोंंदला चोलापुरम इन्होंने एक नई कैपिटल सिटी भी बनाई जिसको नाम दिया गया गंगाई कोंदला चोलापुरम और द सिटी ऑफ चोला कानक्यूर ऑफ द गंगा राजेंद्र चोलाज मोस्ट डेयरिंग कैंपियन वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया इनका सबसे डेयरिंग कैंपियन जो था दैट इज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया फॉर सेंचुरीज इंडियन मर्चेंट्स हैड बीन ट्रेडिंग विद वेरियस पोर्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड सर्दन चाइना इंडिया शिप्स हैड टू पास थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मोलिक्का विच वॉज अंडर द किंगडम ऑफ श्री विजय एज द मर्चेंट्स ऑफ श्री विजय वॉन्टेड टू हैव अ मोनोपोली ओवर हिज ट्रेड दे बिगेन टू फाइंड वेज इन कीप द इंडियन मर्चेंट आउट ऑफ हिज ट्रेड मैनी ऑफ दिज मर्चेंट्स वर फ्रॉम द चोला किंगडम दे अपील्ड इन राजेंद्र चोला फॉर हेल्प ही सेंटर ह्यूज नेवी एंड डिफिटेड द श्री विजय किंगडम जब उनने श्री विजय ने क्या किया था मोनोपोली कर ली थी जहाँ से काफी चोला किंग्स जो थे से ट्रेड करते थे बहुत सारे मर्चेंट वहां से इंडिया के ट्रेड करते थे तो उन्होंने राजेंद्र चोला से रिक्वेस्ट की हेल्प की ही सेंट ह्यूज आर्मी एंड डिफिटेड द श्री विजय किंग सो ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड सर्दर्न चाइना कंटिन्यूड और इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया और सर्दर्न चाइना के साथ ट्रेड कंटिन्यू रहा देअर बाय ग्रेटली एनरिचिंग द चोला किंगडम द सक्सेस ऑफ राजेंद्र चोला कंटिन्यूड टू फाइट अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम

तो चोला किंग वॉज वेरी पावरफुल ही सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन लुकड आफ्टर जस्टिस एंड लेड ट्रूप्स इन बैटल पूरे जस्टिस को देखना पूरे ट्रूप पूरी आर्मी को मैंटेन करते थे द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू कॉल्ड कोल्ड मंडलम्स जो किंगडम है उसको अलग अलग प्रोविंस जिसको मंडलम कहते थे उसमें डिवाइड कर दिया गया था हर एक मंडलम के लिए एक गवर्नर होता था जो उसको लुक आफ्टर करता था द मंडलम वर फर्दर डिवाइडेड इन टू और ये जो थे छोटे छोटे जितने भी मंडलम थे उनको आगे वाला नाडूज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ईच वाला नाडू कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ विलेज एंड द विलेज ऑफ नाडू वॉज द लोवस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट विलेज यानी कि नाडू ठीक है ये एक लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज अ डिस्कनिश फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन हर एक विलेज की एक असेंबली होती थी जो लुक आफ्टर करती थी और असेंबली को क्या कहते थे उर और वीकेंड से सभा द उर जो होती थी द or was the general assembly of the village and the sabha was a gathering of male adults. all affairs of the village such as collection of taxes, settlement of dispute, allocation of water, etc., isari things in done by committees ka committees. land and trade were the two main sources of revenue for the cholas and there was a flourishing trade with other regions also. now, society. The king and the other members of the royal family. Stood on top of the social pyramid. Below the royalty were the high officials of the kingdom. okay esapse upper king or family members, uskebad kon ate high officials ate. Then the Brahmins and the merchants were greatly respected in the society. Many of them were very rich and invested heavily in trade. inland in inland and overseas, trade made the merchant very rich. We also hear of merchant guilds during this period. In courses of time. टाउन्स इन विच दो एग्जिस्टेड बिकेम एक्सट्रीमली प्रोस्पेरस क्योंकि ट्रेड से इनके पास बहुत सारा पैसा आता था गिल्ड क्या होती थी यूनियन ऑफ मर्चेंट अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट और ये उस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस थे द पीजेंट्स इन विलेज एंड द द लेबरर्स इन टाउन्स वर एट बॉटम ऑफ द सोशल पिरामिड सबसे जो लो स्टेटस था वो पीजेंट्स का था विलेज में और लेबरर का था दे देड अ वेरी हार्ड लाइफ ये बहुत मुश्किल की जिंदगी जीते थे नाउ डू यू नो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन फोर हंड्रेड टर्म्स ओ फोर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस ऐसा माना जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उस टाइम पर चोला किंगडम में तमिलनाडु में वहाँ पर फोर जो फोर हंड्रेड टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेज यानी फोर हंड्रेड टाइप के टैक्सेज लगे हुए थे अलग अलग करके ओके जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या किसी भी चीज़ पर पाम ट्री है उस पर टैक्स लग जाता था हाउस पर टैक्स लग जाता था गैदरिंग पर टैक्स था ठीक है लेडर अगर यूज़ करते थे घर के लिए उस पर टैक्स था तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि तमिलनाडु में अलग अलग प्रकार के फोर हंड्रेड टैक्सेज थे नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर Agrarian expansion in the Tamil region. There was a remarkable agrarian expansion during the Chola period. This was made possible by two, two developments the reclamation of a lot or barren land for cultivation and an extension of irrigation facilities. The temples looked the lead in both aspects. The temples had a lot of money. though टेम्पल जो होती थी टेम्पल से जो मनी कलेक्ट होती थी वो एग्रीकल्चर पर स्पेंड होती थी ऑब थ्रू डोनेशंस विच वर इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द बैरन लैंड दैट वॉज कल्टिवेटेड वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई द टेम्पल जो बैरन लैंड थी यानी जो कल्टिवेशन नहीं होती थी और जहाँ पर कल्टिवेशन होती थी दोनों टाइप की जो लैंड थी वो टेम्पल्स के कंट्रोल में थी The growth of population during this period gave a further push to agriculture expansion. Since more people had to be fed, an increase in cropped area as well as better productivity became the primary concern of the ruler. क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो इतने सारे लोगों को फैड भी करना है एक साथ इतने लोगों के साथ इतने लोगों के लिए जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस भी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रोडक्टिविटी पर किया जा रहा था अनदर चेंज विटनेस वोज द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड द

स्पेंड की जाती थी। नेक्स्ट कल्चर अचीवमेंट्स एंड फर्स्ट आर्किटेक्चर। द ठीक है उन्हें बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने बनवाए थे हर एक टाउन में हर एक विलेज में टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराए मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वर बिल्ट इन ड्रेविडियन स्टाइल ज्यादातर जो जो चोला टेम्पल थे वो ड्रेविडियन स्टाइल में बनाए गए थे एंड द ब्रिबेदेश्वर टेम्पल एट तंजोर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर अपार्ट फ्रॉम बींग आर्किटेक्चरल मास्टर एंड परफॉर्मिंग द यूजल रिलीजियस फंक्शंस द चोला टेम्पल्स ऑल्सो फंक्शन एज पॉलिटिकल सोशल इकॉनमिक Cultural and educational centers. Large temples also owned revenue-yielding lands and participated in overland and overseas trade. Next is sculpture. द cholas also एक्सेल्ड इन मेकिंग images ऑफ़ gods एंड goddesses बहुत खूबसूरत गॉड एंड गोडेसिस के स्कल्पचर बनाते थे मूर्तियाँ बनाते थे एंड दीज इमेजेस वर मेड ऑफ़ इधर स्टोन और ब्रोंज और ये इमेजेस थे या तो स्टोन की बनी होते थे या फिर ब्रोंज की बनी होती थी द ब्रोंज इमेज ऑफ लोर्ड शिवा एज नटराज लॉर्ड ऑफ डांस इज एन ऑफ आर्ट और इनके द्वारा बना हुआ नटराज का जो एक ब्रोंज डाइटी है ठीक है जो एक स्टैचू बना हुआ है इमेज बना हुआ है दैट इज द मोस्ट फेमस एंड एक्सीलेंट वर्क ऑफ़ आर्ट। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर लैंग्वेज एंड लिटरेचर द चोला किंगडम सो द ग्रोथ ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस सच एज़ तमिल तेलुगू एंड कन्नड़ मैनी लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्कस व ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू दीज लैंग्वेज बहुत सारे लिटरेरी वर्क को संस्कृत और ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू इन दीज लैंग्वेजेज जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस थे दैट इज तमिल तेलगू एंड कन्नड़ तो बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर को इन लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया गया था कंबन ट्रांसलेटेड द रामायण इन टू तमिल एंड नरेनार एंड टिकानर ट्रांसलेटेड द महाभारत इन तेलुगू कन्नड़ वॉज एंड रिच्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ द थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर दैट इज पैम्पा पोना एंड रन नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर The period from 800 to 1200 CE was the rise of many kingdoms. And the next is the Rajputs were very powerful. The Tomars of Delhi, Chauhans of Rajasthan, Solankis of Gujarat, Parmars of Malwa were the very powerful Rajput kingdoms of the period. In a span of 25 years, Muhammad of Gajni invaded India 17 times. Mohammad Ghori laid the foundation of Turkish rule in India, and the Chola kingdom was the most powerful in South India. The Chola ruled from Tanjore. Raja Raja Chola and Rajendra Chola were the greatest Chola ruler. They had a strong navy. And the next is the Chola kingdom was divided into mandalams, that is provinces, valanadus, that is districts, and then nadus, that are villages. The villages manage their own affairs, and each village has two assemblies, Ur and Sabha. So, this is the chapter, Bachre. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the exercise yourself.